एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 3-7 क्लास की है। राइट द फॉलोइंग सेट्स बिल्डर फॉर्म। बिल्डर का मतलब जिस तरह इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करें तो बिल्ड होता है, इस तरह हम मतलब सेट को किस तरह से लिखते हैं। सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर तो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, तो हम उन्हें किस तरह से लिखते हैं उसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म। इस तरह यहाँ पे एक सेट है, उसका नाम है ए 1, 2, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम देखेंगे कि ये कौन से सेट हैं, जिस तरह नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर होते हैं, तो ये 1 से शुरू हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर ही होंगे, तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि कुछ नंबर हैं। नंबर्स का मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स कुछ नंबर हैं और ये किस सेट से बिलोंग करते हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड मतलब के और जो भी नंबर्स हैं वो लेस देन है 6 के, नेचुरल नंबर तो है ये और 6 से लेस भी हैं, तो हम इसको बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सेट को हमने बी का नाम दिया है 2, 3, 5 और 7। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? अब हम ये 2, 3 इनके बाद 4 भी नहीं है और 5 के बाद 6 भी नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकते, ना ही 1 है इसमें। अब हम देखेंगे कि क्या है, ये दरअसल प्राइम नंबर है और 11 से लेस है, 9 तो इनमें आता भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इस सेट को इस तरह से लिख सकते हैं। x का मतलब होता है कुछ नंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं प्राइम नंबर से, और जो x है ये जो नंबर्स हैं वो लेस देन है 11 के, इसकी बिल्डर फॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको टेबलर बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखना है। बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, x कुछ हमारे पास नंबर्स हैं और ये जो x है यहाँ पे तो हमने खुद ही बता दिया है कि ये नेचुरल नंबर है, x बिलोंग टू n, मतलब x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये जो भी सेट है ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हमने बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को मतलब हम किस तरह से लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ होल नंबर। यहाँ पे उन्होंने नंबर वगैरह कुछ नहीं बताए, ऐसे बता दिया है कि सेट ऑफ होल नंबर है उसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे एक्स तो सबके साथ ही लिखा होता है, मतलब कि ये नंबर्स को शो करता है जो मर्जी जिस सेट के भी नंबर्स हों। x belong to whole number को हम w से denote करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि x belong to w, यानी कि set of whole numbers, उसकी builder form है ये। Question number 5 है हमारे पास, set of all integers, set of set of all integers, इसको हमने builder form में किस तरह से लिखना है। x कुछ numbers हैं, ये तो वैसे भी सबके साथ लिखना होता है, और x belong करता है z से, मतलब कि ये तमाम integers numbers हैं, z का मतलब होता है तमाम integer number। यहाँ पे उन्होंने कोई numbers नहीं बताए, ऐसे कह दिया कि set of all integers, ये z जो है all integers को show करता है,
इसलिए x belong to z, हमने उसको बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, फाइव टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी अप टू सो ऑन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x, कुछ हमारे पास नंबर्स हैं और x बिलोंग टू मल्टीपल्स ऑफ फाइव। अब बिलोंग टू मल्टीपल्स ऑफ फाइव तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम लिखेंगे x इज अ मल्टीपल्स ऑफ फाइव। अब हम आगे फाइव टू ऐसे कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अप टू सो ऑन का साइन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 10, इसको हमने इस तरह से लिखना है, सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ई एंड वन ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 10. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सेट ऑफ ओड नंबर ग्रेटर देन 15, सेट ऑफ ओड नंबर्स ग्रेटर देन 15। ओड नंबर का मतलब होता है कि 1, 3, 5, 6, इसको हम इस तरह से लिखेंगे एक्स। एक्स का मतलब होता है कि कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, एक्स बिलोंग टू ओ, ओड नंबर्स, एंड एक्स जो है हमारे पास वो है एक्स ग्रेटर देन है x greater than 15 से बड़ा है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, यहाँ पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, एक्स मतलब कुछ नंबर्स हैं प्लैनेट्स के और एक्स इज अ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब ये कोई सेट तो होता नहीं है मैथ की फॉर्म में, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि जिस तरह ओड इवन इंटीजर होल नेचुरल, तो हम प्लैनेट्स को उनसे तो डिनोट करवा नहीं सकते, इसलिए हम लिख देंगे कि एक्स जो भी नंबर्स हैं वो सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम है, एक्स इज अ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम।